हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं दीक्षा ड्रीम्सवे एकेडमी की तरफ से आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे निर्वाचन आयोग। जैसा आपको पता है कि आजकल जो है वो चुनाव का माहौल बना हुआ है, आजकल जो है वो इलेक्शन हो रहे हैं, तो हम वही पढ़ेंगे कि जो हमारा इलेक्शन होते हैं वो कौन करवाता है, तो वो करवाता है निर्वाचन आयोग। हम आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि निर्वाचन आयोग जो है वो है क्या। तो हम बात करते हैं कि हमारा जो निर्वाचन आयोग है इसका गठन जो है वो कब हुआ था। तो निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 को। और अगर आप ये डेट याद रखते हो, इस डेट को इसका गठन हुआ था, अगर आप ये डेट याद रखते हो 25 जनवरी 1950 को, तो इससे आपका एक और क्वेश्चन बनता है कि 25 जनवरी को ही मतदाता दिवस जो है वो मनाया जाता है। एक डेट याद रखने से दो क्वेश्चंस का आंसर मिल रहा है। एक तो निर्वाचन आयोग का गठन जो है वो कब हुआ था, 25 जनवरी 1950 को, और 25 जनवरी को ही मतदाता दिवस जो है वो मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो निर्वाचन आयोग है उसे संविधान में कहाँ लिखा गया है। तो हमारा जो निर्वाचन आयोग है उसे संविधान के भाग 15 में लिखा गया है, और ये अनुच्छेद है 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग के बारे में लिखा गया है। अब ये देखते हैं कि हमारा जो ये निर्वाचन आयोग है इसे कहाँ से लिया गया है। तो निर्वाचन आयोग को जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है। पहले क्या होता था कि हमारा जो निर्वाचन आयोग होता था वो एक सदस्य होता था, लेकिन अब क्या है, अब जो हमारा निर्वाचन आयोग है वो है त्रिसदस्यीय। एक सदस्य में सिर्फ चुनाव आयुक्त होता था, और जो हमारा त्रिसदस्यीय है इसमें होता है, एक होता है हमारा मुख्य चुनाव आयुक्त, और दूसरा होता है हमारा दो अन्य चुनाव आयुक्त। अब देखिए, हमारा जो निर्वाचन आयोग था इसके जो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो थे सुकुमार सेन। ये थे सुकुमार सेन, जो कि हमारे प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। उसके बाद जो महिला प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थी वो थी V.S. श्रामा देवी। उनका नाम था V.S. श्रामा देवी। ये महिला जो थी वो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ठीक है, जो हमारे प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो थे सुकुमार सेन, और जो हमारी प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी वो थी V.S. श्रामा देवी। तो ये आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमारा जो निर्वाचन आयोग था उसका गठन जो था वो 25 जनवरी 1950 को हुआ था, और 25 जनवरी को ही हमारा जो है वो मतदाता दिवस मनाया जाता है। अब देखिए, जो निर्वाचन आयोग है उसे भारतीय संविधान के भाग 15 में लिखा गया है, और ये अनुच्छेद है 324 से 329 तक जो निर्वाचन आयोग का वर्णन जो है वो इसमें किया गया है। उसके बाद हमारा जो निर्वाचन आयोग है उसे ब्रिटेन से लिया गया है, और ये जो हमारा निर्वाचन आयोग है ये पहले होता था एक सदस्यीय, लेकिन अब है त्रिसदस्यीय। इसमें एक होता है मुख्य चुनाव आयुक्त और दूसरा होता है दो अन्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, अब हमारे जो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो थे सुकुमार सेन, और जो हमारी प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी वो थी V.S. श्रामा देवी। अब देखिए, हमारा जो ये मुख्य चुनाव आयुक्त हैं इसकी जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है, इसकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और जो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, जो दो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति भी जो है वो भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और इनको जो शपथ है वो भी हमारा राष्ट्रपति ही दिलाता है, और शपथ की बात जो है वो अनुसूची 3 में जो है वो शपथ की बात की गई है।
अनुसूची 3 में जो है वो शपथ की बात की गई है। तो आपको याद रखना है कि हमारा जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और जो दो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इन दोनों को शपथ जो है वो राष्ट्रपति ही दिलाता है और शपथ की बात जो है वो भारतीय संविधान की अनुसूची 3 में की गई है। अब देखिए हमारा जो ये मुख्य चुनाव आयुक्त होता है इसे हम हटा सकते हैं, लेकिन कैसे हटा सकते हैं? जैसे राष्ट्रपति को हटाया जाता है कैसे, महाभियोग के द्वारा, वैसे ही जो हमारा मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उसे महाभियोग जैसे ही एक प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। इसे महाभियोग द्वारा नहीं, लेकिन महाभियोग जैसी एक प्रक्रिया द्वारा ही इसे हटाया जा सकता है। और जो दो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं उसे मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह लेकर जो है वो राष्ट्रपति हटा सकता है। यहाँ पर जो है वो मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग जैसी प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है और जो दो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं उसे मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह के द्वारा जो है वो राष्ट्रपति हटा सकता है और जो दो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं उसे मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह के द्वारा राष्ट्रपति हटा सकता है। अब देखिए हम बात करते हैं कि अनुच्छेद जो 324 है उसमें क्या है। तो जो अनुच्छेद 324 है वो है हमारे चुनाव से संबंधित, ये है चुनाव से संबंधित। चुनाव क्षेत्र का अधीक्षण निरीक्षण करना ये सारा जो है वो चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है, ये दिया गया है अनुच्छेद 324 में। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 325 की कि अनुच्छेद जो है वो 325 जो है उसमें क्या है। तो जो हमारा अनुच्छेद 325 है उसमें ये है कि धर्म, रंग, नस्ल, जाति या फिर जन्म स्थान के आधार पर हम किसी को भी मत डालने यानी वोट डालने के लिए मना नहीं कर सकते हैं और ना ही हम चुनाव लड़ने के लिए किसी को रोक सकते हैं। तो ये दिया गया है हमारा अनुच्छेद 325 में। अब आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 326। जो अनुच्छेद 326 है वो मताधिकार से संबंधित है। जो अनुच्छेद 326 है वो मताधिकार से संबंधित है। आपको पता है कि जो भी व्यक्ति जो है वो 18 साल की एज जो है वो पार कर लेता है, यानी जो भी व्यक्ति जो है वो 18 साल की उम्र का हो जाता है उसे वोट डालने का अधिकार है। लेकिन पहले जो ये आयु सीमा थी वो थी 21 वर्ष, लेकिन अब क्या है 18 वर्ष। 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष जो है वो कब किया गया है? तो इसे किया गया है 21वें संविधान संशोधन 1989 में। 21वें संविधान संशोधन 1989 में जो है वो 21 वर्ष की आयु सीमा को घटाकर 18 वर्ष कर दिया था। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 327 में क्या है। तो ये है संसद राज्य, तो ये है संसद राज्य विधानमंडल। ये इससे संबंधित है। इसमें जो है वो ये है कि इसमें राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में नियम व कानून बनाने की पावर जो है वो संसद को दी गई है। ठीक है, इसमें जो है वो राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में जो भी नियम व कानून बनाए जाएंगे उसकी पावर जो है वो है संसद के पास। अब हम आगे बात करते हैं अनुच्छेद 328 में क्या है। अनुच्छेद 328 जो है वो है राज्य विधानमंडल। आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 329 में कि हमारा जो अनुच्छेद 329 है उसमें क्या है। तो इसमें ये है कि अगर चुनाव से संबंधित इन द सेंस यानी कि सीटों में परिवर्तन हो या फिर आरक्षण हो, इससे संबंधित अगर कोई बात होती है तो जो हमारा न्यायालय होता है वो इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो ये है अनुच्छेद 329। अब देखिए जो हमारा निर्वाचन आयोग होता है उसको जो है वो वेतन कितना मिलता है।
तो जो हमारा निर्वाचन आयोग होता है उसको वेतन जो है वो मिलता है सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है उसके बराबर, यानी कि जो वेतन हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का होगा वही वेतन जो है वो मुख्य चुनाव आयुक्त का होता है। और जो सुख सुविधाएं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को मिलती हैं वही सुख सुविधाएँ जो है वो निर्वाचन आयोग के मुख्य न्यायाधीश को प्राप्त होती हैं। अब आगे हम बात करेंगे कि हमारा जो निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन जो है उसके कार्य क्या होते हैं। तो फर्स्ट उसका कार्य होता है परिसीमन करना, यानी कि हमारा जो चुनाव क्षेत्र होता है उसका निर्धारण करना, ये है हमारा परिसीमन करना। अब आगे आता है मतदाता पहचान पत्र तैयार करना, ये कार्य भी जो है वो हमारे निर्वाचन आयोग का है। उसके बाद आता है चुनाव चिन्ह तैयार करना, यानी जो भी व्यक्ति जो है वो इलेक्शन के लिए खड़े हैं उन्हें जो चुनाव चिन्ह देना, ये भी हमारे निर्वाचन आयोग का कार्य है। उसके बाद आता है आचार संहिता लगाना। आपको पता है आचार संहिता क्यों लगाई जाती है? आचार संहिता इसलिए लगाई जाती है कि हमारा जो चुनाव होगा वो एक अच्छे ढंग से हो, निष्पक्ष रूप से हो, इसलिए आचार संहिता लगाई जाती है। जब आचार संहिता लगी होती है उसमें पर सरकार जो है वो कोई भी वैकेंसी नहीं निकालती है। ये वैकेंसी इसलिए नहीं निकाली जाती है क्योंकि हमारे जो इलेक्शन के लिए कैंडिडेट खड़े होते हैं वो किसी को भी लालच ना दे सके कि हम तुम्हारी नौकरी लगवा देंगे तो उसे वोट ना ले ले, इसलिए जो है वो आचार संहिता जो है वो लगाई जाती है ताकि हमारा जो चुनाव होगा वो बिल्कुल अच्छे तरीके से हो। उसके बाद होता है चुनाव होने के बाद अगर चुनाव के से संबंधित कोई विवाद होता है तो वो सीधा कहाँ जाता है? उच्च न्यायालय में जाएगा। अगर चुनाव से संबंधित कोई विवाद होगा तो वो जाएगा उच्च न्यायालय में। अब देखिए हमारा जो चुनाव होता है वो होता है ईवीएम के द्वारा। ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसके द्वारा जो है वो चुनाव जो है वो करवाया जाता है, यानी इसके द्वारा जो है वो मत डाला जाता है। जो ईवीएम है इसका जो सबसे पहले प्रयोग है वो किया गया था 1982 में केरल के प्रारूप विधानसभा में 50 सीटों के लिए जो है वो ईवीएम का प्रयोग जो है वो किया गया था। उसके बाद 1989 में जो है वो मध्य प्रदेश में 5 सीटों के लिए, राजस्थान में 5 सीटों के लिए और दिल्ली में 6 सीटों के लिए जो है वो इसका प्रयोग किया गया था। उसके बाद जो है वो 1999 में गोवा में पूर्ण विधानसभा के लिए जो है वो इसका प्रयोग किया गया था 1999 में गोवा में पूर्ण विधानसभा के लिए जो था वो इसका प्रयोग किया गया था, यानी ईवीएम का पूर्ण रूप से प्रयोग गोवा में हुआ था 1999 में। तो ये था हमारा निर्वाचन आयोग। इससे जो है वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उसमें एक या दो क्वेश्चन जो है वो इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। अगर आपको इससे कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। इससे रिलेटेड मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ, उन्हें मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? तो ये है ब्रिटेन। क्वेश्चन टू है, प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? तो प्रत्यक्ष निर्वाचन हम उसे कहते हैं जब जनता जो है वो डायरेक्ट रूप से अपना प्रतिनिधि चुनती है, तो इसका आंसर आ जाएगा जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना। थर्ड क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो आप ये देख लेना इसके ऑप्शंस, तो ऑप्शंस के हिसाब से इसका आंसर आएगा अनुच्छेद 324। क्वेश्चन फोर्थ है,
भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेवारी किसकी है? तो इसका आंसर है निर्वाचन आयोग। क्वेश्चन फिफ्थ है, निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? तो इसका आंसर आएगा मुख्य चुनाव आयुक्त। क्वेश्चन सिक्स है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। सेवंथ क्वेश्चन है, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है? तो इसका अध्यक्ष होता है मुख्य चुनाव आयुक्त। क्वेश्चन एट है, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए थे? तो हमारे जो यहाँ जो पहले आम चुनाव हुए थे वो हुए थे 1952 में। ये मैं आपको वीडियो में बताना भूल गई थी। तो नाइन्थ क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2010 में अपनी कौन सी जयंती मनाई थी? तो 2010 में स्वर्ण जयंती जो थी वो मनाई गई थी। क्वेश्चन 10 है, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो ये हुआ था 1962 ईस्वी में। क्वेश्चन 11 है, भारत में पहले मतदान की आयु कितनी वर्ष थी? तो ये थी 21 वर्ष। क्वेश्चन 12 है, भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? तो ये किया गया था 1989 में, और 61 जो था वो संविधान संशोधन था। 13th क्वेश्चन है, भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु क्या है? तो ये है प्रेजेंट में 18 वर्ष। क्वेश्चन 14 है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये थे सुकुमार सेन। अगला क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त की पदाविधि होती है, ये होती है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो जाए, यानी 6 वर्ष पहले पूर्ण हो जाए या 65 वर्ष पहले पूर्ण हो जाए। 16th क्वेश्चन है, अन्य चुनाव आयुक्त की पदाविधि होती है, तो ये होती है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो जाए। अगला क्वेश्चन है, भारत के निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? इसका राइट आंसर है 25 जनवरी 1950 को। 18th क्वेश्चन है, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। 19th क्वेश्चन है, अन्य चुनाव आयुक्त को शपथ कौन दिलाता है? तो ये है हमारे राष्ट्रपति। 20 क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग संविधान के किस भाग में है? तो ये है भाग 15 में। तो ये था हमारा निर्वाचन आयोग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और बेल आइकन और ड्रीम्स वे एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।